एबीपीएस न्यूज गांव की समस्याओं को लेकर एबीपीएस न्यूज द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज हम आपको संभल जिले के चाचू नागल गांव में लेकर चलते हैं, जहां पर 5000 की आबादी और 2000 वोटर हैं। इसमें 450 राशन कार्ड धारक हैं, तो 200 परिवार यहां भी ऐसे मिले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ग्राम प्रधान से जब बात की गई और उनके कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 5 सड़कों का निर्माण कराया गया है, सीसी टाइल्स के काम कराए गए हैं, इसके साथ साथ 2 आवास और 27 सौर ऊर्जा की लाइटें लगवाई गई हैं, जिससे रात के समय गांव में रोशनी रहती है और लोग आसानी से एक दूसरे कोने पर जा सकते हैं। उन्होंने 3 नल भी रिबोर कराए हैं, तो स्कूल में मॉडल शौचालय बनवाए हैं, टंकी की फिटिंग कराकर समरसेबल भी लगवाया है और मिट्टी भराव का काम भी उन्होंने कराया है। जब उनसे सरकार से मांग की बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क का निर्माण, इसके साथ साथ 525 शौचालय, 80 आवास और 300 मीटर का नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, यहां तक कि शमशान घाट तक की मांग भी सरकार से ग्राम प्रधान ने की है। तो वहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात भी उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि उनके गांव में पंचायत घर की व्यवस्था नहीं है, पंचायत घर यदि बने तो शायद वो अपने गांव के विकास के विषय में गांव के लोगों से भी बातचीत करके आगे के कार्य करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पानी की निकासी पूरी तरह से ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं की जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल तो बना हुआ है लेकिन यहां पर डॉक्टर नहीं है। सरकार शायद अस्पताल बनाकर भूल गई है कि यहां बिना डॉक्टर के अस्पताल का कोई मतलब नहीं बनता। जब तक डॉक्टर नहीं होगा तो अस्पताल से फायदा कहां होने वाला है, ये सभी जानते हैं। ग्राम प्रधान की मांग है कि इस अस्पताल में जल्दी ही डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, ताकि गांव के लोगों को दवा लेने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपने धन को अधिक मात्रा में खर्च करने से भी बचा जा सके। नमस्कार भाइयों, मैं जगत पाल यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत चाचू नागल। मेरे यहाँ जो धनराशि आई है हमारे निधि में, उसका सही प्रयोग किया है हमने। जैसे खड़ंजा है, नाली है, सीसी टाइल्स है और स्कूल में मिट्टी भराव है, मॉडल शौचालय है, नल की मरम्मत है, नल रिबोर है, गांव में सौर ऊर्जा लाइट, और जैसे स्कूल में हमारा अभी काम चल रहा है बाउंड्री का और उसका सीसी टाइल्स अभी करवाएंगे, और पंचायत घर पर अभी हमारा काम चल रहा है, पर पंचायत घर की हमारे यहाँ स्थिति खराब है, वो जर्जर है ज़्यादा। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के हिसाब से कुछ धनराशि कम मिल रही है, तो हम उनसे मदद लेना चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत को कुछ धनराशि बढ़ाई जाए, जिससे कि ग्राम पंचायत के और भी काम पूरे हो चुके। हमने गांव में बहुत विकास करवाया, अभी देखो हमारा उधर काम चल रहा है, एक सीसी टाइल्स चल रही है, मिट्टी भराव चल रहा है अभी, और अभी पीछे और लाइटें लगवाई हैं। अब देखो जैसे धनराशि आती है वैसे और काम बढ़वाएंगे आगे को, और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे कमरोस्तान है उसकी बाउंड्री नहीं है, थोड़े से मोमडन लोग रहते हैं हमारे यहाँ, तो उनकी भी समस्या का समाधान होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक वो शमशान घाट है, उस पर शमशान घाट नहीं बना है अभी तक, जैसे बारिश के कारण, बारिश में कभी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ बारिश के कारण लोगों की गत नहीं हो पाती है, तो हम सरकार से मांगना चाहेंगे कि हमारे यहाँ शमशान घाट बनाया जाए और उसकी बाउंड्री करी जाए कमरुस्तान की, जिससे कि हमारे ग्राम पंचायत की और ज़्यादा सुविधा बन सके। और सरकार से हम मांगना चाहेंगे कि मान लो जैसे हमारे यहाँ एक नाले की कमी है, थोड़ी पानी की निकासी कम हो पा रही है, एक नाला बन जाए बड़ा सा, और हमारे गांव में एक थोड़ी सी बारात घर की समस्या अटक रही है, क्योंकि यहाँ सब बारात हिंदू तो लोग ज़्यादा हैं, मोमडन थोड़े हैं, तो बारात की थोड़ी समस्या, बारात घर की ज़्यादा समस्या है। हम सरकार से मांगना चाहेंगे कि वो हमें एक बारात घर का थोड़ा सा वो मिले, सहयोग मिले, तो हमारे ग्राम पंचायत के कुछ लोग ज़्यादा खुश होंगे और ये भी कहेंगे कि प्रधान जी ने और हमारी सरकार ने हमें बहुत कुछ किया है। तो हम सरकार से और भी कुछ काम है वो मांगना चाहेंगे, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र एक हमारे यहाँ बना हुआ है, एक और बनना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत में 2 गांव लगते हैं, चाचू नांगल और चाचू नांगल की मड़ियाँ, तो उससे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो कुबेर बच्चे हैं वो दूसरे गांव में नहीं पहुंच पाते, इसलिए एक आंगनबाड़ी केंद्र हमें और मिल जाए तो
हमारा बढ़िया काम चल रहा है और हमने आज तक जो सरकारी धनराशि आई है उसका गलत प्रयोग नहीं किया है। अपने हिसाब से हमने बढ़िया जगह पर बढ़िया ही काम करवाया है और हमारी जो बैठक है आप भी देख सकते हैं और देखने वाले और लोग भी देख सकते हैं। मैंने अपने घर पर एक पैसे का कोई काम अभी तक नहीं करवाया है जो कि मुझे 2.5 साल पूरे होने को जा रहे हैं ग्राम प्रधान बने हुए। मैंने अपनी जो धनराशि आई है सब अपने ग्राम पंचायत में एक एक जगह बढ़िया जगह यहाँ ज़्यादा व्यवस्था खराब थी उसी जगह ही पैसा का प्रयोग किया है। मैं ग्राम पंचायत चाचू नांगल से बोल रहा हूँ, राधे यादव। हमारे गांव में प्रधान जी बहुत बढ़िया काम करा रहे हैं और इस गांव में बहुत कीचड़ था, अब कीचड़ नहीं है। हमारा परिवार बहुत स्वस्थ बहुत बढ़िया निकल पड़ रहा है। मैं धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ चाचू नांगल की मड़ियों से। हमारे प्रधान जी बेहतरीन काम बिगड़ भेदभाव के कराते हैं। बहुत बढ़िया रास्ता कराया है, तब बहुत खार गड्ढा थे इसलिए हमारे परिवार सही निकलता है अब और ठीक ठाक हैं, बढ़िया आदमी हैं।